हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है मेरा डे ऑफ और मैं अभी जो ब्लॉग है वो मैं बना रहा हूँ अपनी छत पे बाहर, क्योंकि अंदर अभी कुछ भाई लोग सोए हैं, तो इसके लिए मैं अपनी छत पे ब्लॉग बना रहा हूँ। और जो मौसम है आज का कुछ इस तरह का है, ना ज़्यादा तेज़ धूप है ना ज़्यादा सर्दी है, काफ़ी अच्छा मौसम है, लेकिन यहाँ पे धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा उड़ती है, तो जो कि आपको ब्लॉग में दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह हवा चलती है तो काफ़ी मिट्टी चलती है। तो गाइज, अभी हम लोग निकलते हैं थोड़ा जॉगिंग के लिए, काफ़ी टाइम हो गया मॉर्निंग वॉक नहीं किया, तो अभी आज डे ऑफ है तो सोचा थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी कर लूँ। और गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं निकलता हूँ अभी जॉगिंग के लिए। अभी मिलते हैं वहीं पर जहाँ पर मैं जॉगिंग जाता हूँ, तो चलिए वहीं पर आप लोगों को मिलते हैं। गाइज, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वॉकिंग करने के लिए, यानी मॉर्निंग वॉक। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये है जो मेरा वॉकिंग ट्रैक है, ये है इस जगह पे हम लोग एवरीडे जॉगिंग, मेरा जॉगिंग जाने का रास्ता यहां से हम लोग जॉगिंग जाते हैं। अभी तो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्योंकि एक तो ये पेड़ जो है ये हवा में गिर जाते हैं, जब हवा होती है ना तो उस टाइम पे ये पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, क्योंकि पेड़ गिरने का वही मकसद है कि उसका जो रूट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वगैरह थोड़ा कम होती है। आप देख सकते हैं कि जो ये पेड़ लगाया है, देखिए, तो इसका जो है इसके अंदर जो है इतनी मिट्टी नहीं है, सब बालू बालू है। जो ये जो इसमें मिट्टी होगी थोड़ा बहुत, वो बाहर से मतलब लाया गया है, तो ला के फिर यहाँ पर इतनी तेज़ हवा होती है कि जो ये पेड़ हैं हवा से गिर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि गल्फ में इतनी मिट्टी नहीं होती और बालू बालू रहती है। गाइस, ये है हाईवे, एक्चुअली यहाँ पे जो काम है वो चल रहा है, और ये है साइकिलिंग का स्पेशली, तो जिसमें मैं जा रहा हूँ अभी, तो ये है साइकिलिंग का, और ये जो ये साइड में है आप देख सकते हैं, ये है वॉकिंग का, जॉगिंग वगैरह जाना। कभी प्यास वगैरह लग जाती है तो यहाँ पर जो सेक लोग इतने बड़े बड़े लोग, तो क्या करते हैं, पूरा पानी पीने का ऑप्शन भी है। आप बाहर कभी भी निकलते हैं तो देखिए, अभी यहाँ पे आप जॉगिंग करते करते पूरा पानी भी पी सकते हैं, एकदम ठंडा सा। देखिए, आप चालू करिए, पूरा पानी आ रहा है। तो ये लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे कतार में ये है, हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा ऐसे। घर भी ये है मेरा जॉगिंग प्लेस, यहाँ से मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ काफ़ी आगे तक, फिर उससे भी आगे एक ट्रैक है आफ्टर रोड क्रॉसिंग, वहाँ पे बीच में रोड है, फिर उसके बाद भी मेरा जॉगिंग ट्रैक है। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है जॉगिंग करने में। अभी तो गर्मी स्टार्ट होने वाली है, तो आप मॉर्निंग में वॉक नहीं कर सकते हैं इस यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, ऑलमोस्ट 4 बजे यहाँ 4 या 5 बजे से धूप चालू हो जाती है यहाँ पे समर में, तो मोस्ट ऑफ उस टाइम पर मैं अभी समर के टाइम में नाइट में वॉक करता हूँ। तो गाइज, ये है साइकिलिंग का, देख सकते हैं, यहाँ से आप साइकिल लेके भी आ सकते हैं, और जो मेन हाईवे है वो साइड में है। सो बाकी गाइज, मैंने बहुत बार ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हम लोग अपने रोज़ डेली जो लाइफ होती है हम लोगों की, उसमें डेली बिजी रहते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए हम लोग टाइम नहीं निकालते हैं। तो गाइज, हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल इंसान की लाइफ जो अकॉर्डिंग टू यू नो पहले, उससे काफ़ी कम हो गई है, तो ऐसे टाइम में हम लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपने हेल्थ के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, चाहे आप कितने भी बिजी हों या कितना भी काम आपकी लाइफ में हो, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा टाइम अपने आपको ज़रूर दें। हो सके अगर आप जॉगिंग नहीं आ पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, तो अपने कुछ रूम ही पे करिए। मेरे को भी मोस्ट ऑफ गाइस इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं जॉगिंग तो मोस्ट ऑफ नाइट में आता हूं। लेकिन गाइस, जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ऑलमोस्ट 7-8 सालों से, मैं भले 10 मिनट या 15 मिनट करूँगा, लेकिन योगा एवरीडे करता हूँ मैं। कभी कभी स्किप हो जाता होगा, वो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ गाइस, ये मेरा 7-8 सालों से रूटीन है कि मैं अगर मैं जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैं अपने ही रूम पे बैठ के नीचे योगा वगैरह एवरीडे करता हूँ। सो गाइज, अभी बहुत होगी ज्ञान की बातें, अभी कुछ और भी आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है, 8:30 बजे आया था, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी निकलते हैं घर के लिए, फिर ब्रेकफास्ट करना है अभी,
और थोड़ा बहुत काम है वो करना है। सो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।